गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस हिसाब से है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ ए पी। हमें एक ए पी गिवन है, ए पी हमारे पास है 11.8.5 एंड सो ऑन। इसमें बोला गया है कि जो -150 है, ठीक है, जो -150 है हमें चेक करना है कि ये इस एपी के अंदर आता है या नहीं आता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले इस एपी के अंदर से हम ए और डी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसका नाम होता है ए, तो ए कितना है मेरे पास 11। और अगर मैं डी की बात करूँ तो डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास A3 - A2। ए थ्री कितना है यहाँ पे देखिए, ए थ्री हमारे पास है 5 और ए टू मेरे पास है 8। 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा -K3। तो ये मेरी होगी डी की वैल्यू। सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आप ए प्लस एन माइनस वन साथ में डी इज इक्वल टू ए एन। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ए एन। अब देखिए ये जो टर्म हमें गिवन है -K150, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका हमें पता कैसे लगेगा कि -150 का हमें करना क्या है। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें -150 लिखा हो या कोई और भी टर्म आपके पास हो सकती है जिसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इस टर्म को, ये टर्म हमारे पास एपी में कौन सी होगी या आपको चेक करने के लिए बोला जाए, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपको टर्म बोली गई है उसको आपने ए एन मानना है। क्या मानना है उसको, ए एन मानना है। तो ए एन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ए एन मान लेता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करता हूँ, ए की वैल्यू मेरे पास है 11 प्लस एन माइनस वन और साथ में डी की वैल्यू मेरे पास है -K3। तो इसको भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ इज इक्वल टू जो ए एन है उसको लिखेंगे -K150। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ये 11 है इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखिए एन माइनस वन साथ में आ जाएगा मेरे पास -K3 इज इक्वल टू -K150 -11। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आएगा, एन माइनस वन साथ में -K3 इज इक्वल टू -150 और -11 हमारे पास होते हैं -K161। ठीक है, इसको ओपन करिए दोबारा से, एन माइनस वन को इधर रखते हैं, ये जो -3 है हम इसको उधरली साइड में ले जाते हैं राइट साइड में, तो -3 मेरे पास नीचे आ जाएगा। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू 161/3। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 161/3 और ये जो वन है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एलसीएम देखें तो 3 आएगा क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे 161 एसटी रहेगा और जहाँ पे कुछ नहीं होता उसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाती है एलसीएम के साथ, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। तो हमारे पास फाइनल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 164/3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है 164/3, अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 3 के साथ तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n = 164/3। देखो अगर ये वैल्यू मेरे पास, जो वैल्यू हमने लिखी है, अगर ये वैल्यू मेरे पास पूरी की पूरी कम्प्लीटली यहाँ पे कट हो जाती तो हम क्या बोलते कि जो ये -150 है ये इसके अंदर लाई करता है, पर यहाँ पे क्या है हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है, यानी कि हम इसको कट नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखेंगे, -150 डज नॉट लाइज इन गिवन ए पी, कि गिवन ए पी के अंदर जो है -150 जो है वो लाई नहीं करता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा ही था ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस आपने ध्यान रखना कि कोई भी इस तरह का टर्म्स आपसे आप पूछी जाए तो उसको आपने ए एन मान के कर लेना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है पहले उसको पढ़ लेते हैं हम।
फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, यानी कि आपको क्या निकालना है, ए 31। इसमें यही बोला गया है कि 31st टर्म ऑफ एपी आपको निकालना है, हुज 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म हमें कितनी दे रखी है, 38। 11th टर्म आपको दे रखी है 38, और साथ के साथ इसमें गिवन है 16th टर्म ऑफ एपी 73, यानी कि आपको ए 16 भी गिवन है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 73। तो हमें ए 31 जो है वो फाइंड आउट करना है। दो वैल्यूज हमें गिवन है, एक तो हमें ए 11 गिवन है और दूसरा हमें गिवन है ए 16। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ए 16 का फॉर्मूला लिखते हैं। ए 16 का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। यहाँ भी स्टूडेंट्स बहुत सारी गलती करते हैं, पता नहीं क्या करके आते हैं पेपर में भी और टेस्ट में भी क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पे भी करते हैं। वो क्या करते हैं, इसको ओपन ही सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है ए 16 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। सेम इसी तरह हम ए 10 का लिखेंगे तो ए 11 का क्या होता है, सॉरी ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके हम यहाँ से डी की वैल्यू और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए और डी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, सिंपली हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम इस किसी भी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ए तो हमारे पास सिंपली एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 गए, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 5D इज इक्वल टू 73, में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 35। तो D की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 35 बाय में 5, 5 7 जा 35, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो D की वैल्यू हमने निकाल ली सिंपली 7। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये जो D की वैल्यू आई है इसको हम किसके अंदर पुट करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जब हम इसमें d की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस 15 साथ में 7 इज इक्वल टू 73। तो ये हो जाएगा a प्लस 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 105 इज इक्वल टू 73। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 73 माइनस 105। तो फाइनली a की वैल्यू आ जाएगी, 105 में से 73 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, देखिए 5 में से 3 गया 2 और 10 में से 7 गए 3। ये माइनस का बचेगा, क्यों बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 105 बड़ा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए a की वैल्यू और d की वैल्यू हमने सिंपली निकाल ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज है यानी कि हमें a 31 निकालना था उसको फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए a 31 इज इक्वल टू, ए 31 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 30 डी। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस के 32 प्लस 30, और डी की वैल्यू मेरे पास है 7। ओपन करो इसको, माइनस के 32 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और साथ में 0। तो यहाँ पे 210 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बचेगा 20 में से 73 को माइनस करेंगे तो 17। तो ये हमारे पास आ जाएगा 178, ठीक है। तो ये हमारे पास ए 31 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, आई थिंक इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है हमारे पास, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कि एक ए पी है जिसमें कितनी टर्म्स हैं, 50। तो हमारे पास यानी कि n की वैल्यू हमें पहले ही गिवन है, n इज इक्वल टू 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि हमें a3 की वैल्यू दे रखी है, a3 की वैल्यू कितनी है, 12, एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, an, यानी कि हमें an की वैल्यू गिवन है 106, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज हमें गिवन थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 29th टर्म, यानी कि हमें a 29 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, a3 को। a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a3 का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस 2d। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं,
ए एन का यूज करके और एन का यूज करके दूसरी इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ए एन। यहाँ पे ए की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 50 माइनस वन, और डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता, इज इक्वल टू ए एन हमारे पास है 106। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ए प्लस 50 में से वन गया 49, डी इज इक्वल टू 106। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, तो हम पहले लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, सॉरी सेकेंड इक्वेशन को, ए प्लस 49D इज इक्वल टू 106, और सेम ऐसे हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12। दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो जब इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 47, डी इज इक्वल टू 106 में से 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 62, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 94/47। 47 को जब हम कट करेंगे 94 के साथ तो कितना आएगा 2, तो यानी कि डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 2। ठीक है, अब यही डी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं कितना आएगा, ए प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 12, तो ए प्लस 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 12, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 12 − 4, 12 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 8, तो यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई। हमें निकालना था 829, तो 829 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 829 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 28 डी। ए की वैल्यू पुट करो पहले यहाँ पे, ए की वैल्यू मेरे पास है 8 प्लस 28 और साथ में डी की वैल्यू है 2। ओपन करो इसको, 8 प्लस 28 2 = 56, 56 में 8 को प्लस करेंगे कितना आएगा 64, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 829 ट्रम। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। क्लियर है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।